आयरलैंड दौरे में धोनी संभालेंगे टीम इंडिया की जिम्मेदारी। 15 सदस्यीय टीम में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की भी हुई है वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएसके स्पोर्ट के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों, एशिया कप 2023 से पहले भारतीय टीम आयरलैंड दौरा करने वाली है। दरअसल अगस्त में टीम इंडिया को 3 मैचों का इंटरनेशनल T20 मुकाबला खेलना है। इस सीरीज के बाद सिर्फ भारतीय टीम के खिलाड़ी एशिया कप खेलेंगे। वहीं सूत्रों के माने तो आयरलैंड दौरे पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा चोटिल होने से टीम इंडिया से बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत भी आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं। उनकी कप्तानी के दौरे टीम इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब लोग एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में टीम इंडिया की मेंटर बनाने की मांग कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि अगर टीम इंडिया के मेंटर धोनी होंगे तो भारतीय टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट काफी आसानी से जीत सकती है। इसी वजह से अब BCCI धोनी को मेंटर बनाने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में BCCI एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में उन्हें मेंटर बनाने से पहले छोटे मुकाबले में आजमाना चाहेगी और इसी वजह से आयरलैंड दौरे पर धोनी को टीम इंडिया के मेंटर की जिम्मेदारी संभालने का संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की भी काफी जल्द रिकवरी कर रहे हैं और उनके रिकवरी को देखकर लगातार उन्हें मौका देना शुरू करेंगे और यही देखकर उन्हें आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता है। आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया में युवा खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। दरअसल इस सीरीज में विराट कोहली और जैसे रोहित शर्मा को आराम दिया गया है क्योंकि उन्हें एशिया कप की तैयारियों के लिए छुट्टी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस विषय में BCCI ने अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वहीं दोस्तों, आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की बात की जाए तो इसमें सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, अजिंक्य रहाणे, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आकाश मधवाल शामिल हैं। दोस्तों, आज की अपडेट बस इतना ही। आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया के मेंटर बनाया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।